Morning friends, welcome to my YouTube channel Twister on the Table. So friends, आज की जो मेरी रेसिपी है वो है हरी मिर्ची के तरपोलिए। तो इसको देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें मैंने बहुत ही मोटे साइज़ की मिर्चियाँ जो आती हैं बड़े साइज़ की ये ली हैं और इसके आज मैं आपको तरपोलिए बेसन वाले बनाने सिखाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, बेसन मिर्च के तरपोलियों के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने लिया है थोड़ी सी हरी सौंफ और साथ में लिया है बेसन। फ्रेंड्स, ये जो बेसन है अभी कच्चा बेसन है, इसको मैं भूनने वाली हूँ। मैंने साथ में लिया है थोड़ा जीरा और यहाँ पे मैंने लिया है हींग पाउडर, थोड़े से लेमन एंड मैंने साथ में लिया है सॉल्ट। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने ये बेसन डाल दिया है और मैं इसको अच्छे से भून के हल्का ब्राउन इसको कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल ऐड कर दिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ ज़रा सी हींग एंड इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ जो जीरा हमने लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से गर्म होने दूंगी फ्रेंड्स इसमें। और साथ ही में मैं इसमें डाल दूंगी जो सौंफ हमने ली थी थोड़ी, वो अजवाइन एंड कलौंजी जो ली थी वो, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स होने दूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गए हैं। तो इसके अंदर मैं ये जो ग्रीन चिलीज थी जो मैंने इनको काट दिया है बड़ा बड़ा, ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इनको मैं अभी धीमी हल्की हाथ पे अच्छे से पकने दूंगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और साथ ही एक बहुत ही सोनी सोनी सी सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है। अब फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर पकने लगे हैं अच्छे से, आप देख सकते हैं। तो अब ये इसके अंदर मैं फ्रेंड्स ऐड कर दूंगी वो बेसन जो हमने हल्का सा भून दिया था, ये देखिए, और मैं इसको अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर और दो चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। एक तो है नमक, मैं नमक ऐड कर रही हूँ, स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं, और थोड़ी सी हल्दी, और मैं इसको अच्छे से अब मिक्स करके पकने दूंगी। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, सिर्फ जो मैंने नींबू लिए थे वो मैं इसमें निचोड़ दूंगी। अभी आप चाहें तो नींबू की जगह आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से पक गया है और एकदम बढ़िया तरीके से, और अब मैं इसको सिर्फ सर्व कर दूंगी। ओ बड़ा चार से के पहला प्यार हुंदा फिर गया ओ तो कि दिनों तर करूं हरी मिर्च की तर बोलिए अगले जन्म की पता केड़ा पशु जानवर बन जाए हे तो है उनत व्या नहीं हुंदा उनत कल्ला प्यार हुंदा चांद में किसे थाने जो भी चीज हमने डाली है एक एक चीज आ रही है उसको बहुत ही शानदार इसकी खुशबू है। फ्रेंड्स, आप इसको पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। हवे तो लॉन्ग वे मैं लाची तेरे पीछे आ गवाची। लाइक दिस रेसिपी, थैंक यू, जस्ट डू लेट मी नो इन योर कमेंट। हवे तो